हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपको बीए सेकंड ईयर के हिंदी का टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं बीए सेकंड ईयर के हिंदी के पेपर वन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम्स, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि ये पेपर से हमने 10 क्वेश्चंस ऐसे छाटे हुए, क्योंकि आप जब पेपर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे ना, तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रथम प्रश्न पत्र से, तो उसमें आपसे तीन क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपको व्याख्या करना होगा, एंड तीन आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे और तीन आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन होने वाला है। एंड आपके पास जो टॉपिक्स पढ़ने के लिए है उसमें आता है आपका उपन्यास, कथा स्वर, दूता पाठ, ओके? तो ये तीन चीज आती है और तीन चीज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो आपका व्याख्या वाला पोर्शन होगा वो आपका बेसिकली जो मूल पाठ होगा वहां से होगा, यानी कि आपका जो उपन्यास है और या कथा स्वर है वहां से होने वाला है, और आपके जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है वो आपके दूता पाठ से होने वाले हैं। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन है और व्याख्या भी आपसे पूछा जाएगा। तो इन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए हमने पांच ऐसे मतलब क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो कि आपका व्याख्या स्वरूप है, और पांच ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मतलब आपका दीर्घ उत्तरीय टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपका शॉर्ट आंसर भी कवर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है आपसे कि उपन्यास कला की दृष्टि से कर्मभूमि, आपने नाम सुना होगा कर्मभूमि का। कर्मभूमि जो है मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत फेमस कहानी है कर्मभूमि। इस उपन्यास की आपको समीक्षा करनी है कला की दृष्टि से, उपन्यास कला की दृष्टि से। तो देखो, अगर हम बात करें इस उपन्यास की, तो ये उपन्यास के रचयिता है मुंशी प्रेमचंद, जो कि बहुत बड़े महान उपन्यासकार हैं। आदर्शवादी विचारधारा इनके उपन्यासों में हमें देखने को मिलती है कि आदर्श को इन्होंने किस तरीके से बढ़ाया है, किस तरीके से इन्होंने आदर्श को वैल्यू दिया हुआ है। इनका जो चरित्र का निर्माण है उसकी प्रवृत्तियों का निर्देशन आदर्श के आलोक में ही होता है। ये इनका इन्होंने सेवा सदन से लेकर के कर्मभूमि तक हमें प्रेमचंद के विचारों में जो है सुधारवादी, आदर्शवादी, इन चीजों की छाया देखने को मिलती है। तो अगर हम कर्मभूमि के बारे में बात करें, तो कर्मभूमि का जो कथानक है ना, तो कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसकी जो कथा है वो है एक सामाजिक। किसी भी उपन्यास का कथानक उसका ताना बाना है, उसी ताना बाना से कथानक जो है वो क्रमबद्ध जो है कथानक जो काव्य स्वरूप ग्रहण करता है, और उपन्यास लिखते समय लेखक को क्रमबद्धता धारावाहिकता का ध्यान रखना पड़ता है। स्वाभाविकता, रोचकता, यथार्थता, मौलिकता आदि कथानक के प्रमुख गुण हैं। तो अगर हम कर्मभूमि की बात करें तो कर्मभूमि उपन्यास के अंदर ये सारे गुण, ये जो कर्मभूमि उपन्यास है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। स्वाभाविकता, रोचकता, यथार्थता या मौलिकता, या फिर आप इसमें देखना स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको जो है आदर्शवादी विचारधारा देखने को भी मिल सकता है। तो कर्मभूमि उपन्यास के अंदर सभी गुण विद्यमान है। इस उपन्यास ने असहयोग आंदोलन, उसके परिणाम और तत्कालीन समाज पर सूक्ष्म या फिर यथार्थ चित्रण किया गया है। यानी कि आपको पता है जब हमारे देश में आंदोलन का टाइम चल रहा था, तो उसमें असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। वस्तुतः जो कर्मभूमि के कथानक है उनमें दो प्रकार की कथाएं सम्मिलित हैं, एक जो है वो आधिकारिक है और दूसरा आपका प्रासंगिक यानी है, यानी कि इसमें समरकांत, अमरकांत, नैना, सुखदा इनकी कथा आधारित है। मुन्नी, सलीम चौधरी, डॉक्टर शांति कुमार की कथा, स्कूल खुलने की कथा है, यद्य प्रासंगिक है किंतु प्रेमचंद्र ने उन्हें इस प्रकार से सूत्र में पिरो करके उपस्थित किया है जिससे कि मूल कथा को क्या होता है, गति मिलती है। ओके, तो अगर हम बात करें इसके जो है चरित्र चित्रण की, तो मुंशी प्रेमचंद्र ने इसके कथावस्तु के अनेक जो पात्र हैं उन पात्रों का संयोजन करके उनकी जो है आकृति, प्रकृति, मनोस्थिति और विचार पर अनुभव आदि का सजीव चित्रण किया हुआ है। उनको जीवन के अनुकूल बनाना प्रेमचंद्र की पात्र योजना की विशेषताएं रही हैं। उनके पात्रों में विविधता भी हमें देखने को मिला है। चरित्र चित्रण में सूक्ष्म प्रवेक्षण और मानव मन की गहराइयों में बैठ करके आंतरिक उजियारों में भी अभिव्यक्ति का हमें क्षमता देखने को मिलता है कि इसमें कैसे कैसे इन्होंने बताया हुआ है। कर्मभूमि में मानव जीवन के जो विभिन्न रूप हैं उनका हमें दर्शन देखने को मिलता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में अलग अलग रूपों में कैसा हो सकता है। उनके पात्र जो है वो नगर से लिया गया है, नगर से भी लिए गए हैं और गांव से भी लिए गए हैं। जो इनके मुख्य पात्र हैं वो आते हैं आपके समरकांत, अमरकांत, नैना, सुखदा, सलीम,
प्रोफेसर शांति कुमार आदि को इसका जो संबंध है वो नगर से है, और जो गूदर चौधरी है, मुन्नी है, सलोनी है, ये ग्रामीण के पात्र हैं। ये पात्र अलग अलग धर्मों और जातियों के हैं। समरकांत आदि जो है हिंदू पात्र हैं, सलीम सकीन ये मुसलमान है, सलोनी जो है वो गूदड़ आदि अछूत यानी कि चमार जाति से है, मुन्नी जो है वो राजपूत है, समरकांत वैश्य है, मधुसूदन जो है ब्राह्मण है। जो उनके पात्र हैं मतलब अलग अलग धर्म जातियों को मिला करके उन्होंने बनाया है, इसलिए कहीं पर भी उनकी सबलता चित्रण है तो कहीं पर दुर्बलता और आदर्शवादी दोनों प्रकार के पात्रों का संबंध हमें देखने को मिलता है। सकीना के चरित्र पर अवश्य थोड़े आदर्श का पुट मिलता है हमें। प्रोफेसर शांति कुमार जो है आदर्शवादी विचारधारा है उस पर यश प्राप्ति की कमजोरी उनमें भी देखने को मिलती है, और समरकांत पर दुर्बलता के चिन्ह उनमें से एक है। अगर हम इसके संवादों और कथापत्रों के बारे में बात करें कि ये संवाद क्या है और कथोपकथन क्या है, तो उपन्यास के संवाद पात्रों के व्यक्तिगत और उनकी मनोस्थिति का उद्घाटन दिखाता है। संवादों का तीक्ष्ण होना आवश्यक है, क्योंकि जब थोड़ा सा नोकझोंक रहता है तो उस कहानी में मजा आता है, क्योंकि इसी के द्वारा उपन्यास में एक जीवन धारा डाली जाती है। जो है जो पुनः चरित्र चित्रण है उनका विकास और प्रभाव उत्पादन में कथो जो है पथन उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। कर्मभूमि के संवाद रोचक, सरस, अनुकूल, स्वाभाविक और पात्रानुकूल है। संवाद पात्रानुकूल होते हुए भी दूसरों की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट करने में पूर्ण सफल है। जैसे कि अमरकांत ने गर्व से कहा कि चरखा रुपये के लिए नहीं चलाया जाता, और किस लिए चलाया जाता है, यह आत्मशुद्धि के लिए चलाया जाता है। संवाद छोटे हैं और पात्राकूल है, मानसिक जो है धरातल आधार पर ही पात्रों का वार्तालाप होता है, यानी कि जो भी चीजें हैं वो रियलिटी से और मानसिकता पर कनेक्टेड होता है। अगर देशकाल और वातावरण के बारे में बात किया जाए कि यह जो कर्म भूमि है इसका देशकाल और वातावरण क्या है, तो देखो जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि इसका जो है कथानक क्या है, इसका चरित्र चित्रण क्या है, इसका संवाद और कथोपथन क्या है, देशकाल और वातावरण क्या है। तो देशकाल वातावरण के अंतर्गत देश के आचार विचार रीति रिवाज वेशभूषा रहन सहन ये सब आते हैं, क्योंकि देशगत कालगत सामयिक पोषित वातावरण में पोषित दशाएं और घटनाएं जो हैं वो अस्थायित्व प्रदान करती हैं। अगर हम बात करें कर्मभूमि के बारे में, तो कर्मभूमि उपन्यास जो है वो देशकाल की वातावरण में पूर्ण सफल है, क्योंकि कर्मभूमि में गांव और नगरों के जीवन को अंकित किया गया है। इसका अधिकांश भाग जो है वो नगर से जुड़ा हुआ है, और नगरों और ग्रामों की सामाजिक आर्थिक और धार्मिक प्रवृत्तियों के चित्रण में प्रेमचंद्र ने तत्कालीन समाज को उपस्थित करके दिखाया हुआ है कि उस समय समाज अगर नगरों में कैसा था, उस समय समाज गाँव में कैसा था, इन सभी चीज़ों पर जो है इन्होंने विचार रखा हुआ है और इन्होंने इस चीज़ को चित्रित करके दिखाया हुआ है। गांधी युग में जिन सुधारों और विशेष आग्रह दिखाया गया है वो है आपका अल्पाधीन अनुपात में कर्मभूमि में चीजें दिखने को हमें मिलती हैं। भूमि की समस्या, जमींदारों के अत्याचार, उनका परिणाम, अधिकारी वर्ग की जो है निरसंसता है, जो आंदोलन कराए गए, उन सभी के बारे में हमें इसमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें भाषा शैली भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो मुंशी प्रेमचंद के कर्मभूमि जो उपन्यास है उसकी भाषा जो है वो साधारण जनजीवन की भाषा है, जैसे लोग बात करते हैं। पात्रानुकूल व देशकाल की स्थिति के अनुरूप है उनकी भाषा, कथा के प्रवाह, पात्रों की योजना और वातावरण की सृष्टि सभी में पूरा योग देती है। उनकी भाषा में उर्दू के शब्दों का बाहुल्य देखने को मिलता है। उन्होंने एक ओर हिंदी की ठेठ भाषा तथा प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है, साथ ही उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों की ओर भी उनका विशेष रुचि रहा है। शहरों के शिक्षित पात्रों की भाषा में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, जबकि ग्रामीणों की भाषा वाक्य जो है वो छोटे हैं, देशज शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे मुन्नी ने पूछा क्या सोचती हो, का कि सोचती हूँ जरा और अंधेरा हो जाए तो जाऊं, अपने मन में क्या कहेगा, चलो मैं पहुंचा देती हूँ, कहेगा क्या क्या समझता है और क्या यह धन्ना सेठ बसते हैं, मतलब किस तरीके से उन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड पर गांव में है तो उनकी भाषा लैंग्वेज अलग करके बताया हुआ है, शहरों के हिसाब से तो उसका प्रासंगिक जो है ठोस भाषा के रूप में बात किया हुआ, तो भाषाओं को उनमें वैधता जो है हमें देखने को मिलती है, अलग अलग देखने को मिलता है। अगर हम उद्देश्य के बारे में बात करें कि कर्मभूमि की उद्देश्य क्या है, तो कर्मभूमि लिखने के पीछे मुंशी प्रेमचंद का उद्देश्य जो था वो था तात्कालिक सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का चित्रण करने के साथ ही वर्ग वैश्य में आक्रांत गरीब जनता का चित्रण करना। एक ओर उन्होंने अपने अमरकांत, शांति कुमार, सुखदा, नैना, गूदर, सकीना, रेणुका आदि के माध्यम से समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का हल प्रस्तुत किया है, तो दूसरी ओर हड़तालों आदि के द्वारा शोषकों को हतोत्साहित करके उनमें सहानुभूति का अनुकरण भी किया हुआ है। उनका प्रत्येक पात्र जो है वो समझौतावादी है, पहले तो वह परिस्थितियों से विद्रोह करता है, फिर उनके जरा सा झुकते हैं और उसमें समझौता कर लेते हैं।
अमरकांत को धनीराम द्वारा कमेटी की स्थापना पर अनादित होना उनकी समझौतावादी चीजों का प्रमाण मिलता है। तो इन सभी चीजों से हमें क्या समझने को मिलता है कि कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद की सफल उपन्यास है और इसमें पूर्ण रूपेण जो है औपन्यासिक तत्वों का निर्वाह ही मुंशी जी की औपन्यासिकता की परिचायक है कि मुंशी प्रेमचंद कितने बड़े उपन्यासकार थे। अब आगे बात करें अगला जो क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है दूसरे नंबर का जिसमें हमें संदर्भ सहित व्याख्या करना है और इसमें हमने एक चीज को रखा हुआ संदर्भ सहित व्याख्या में जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां आपको पहला ही आप दिखा देख सकते हैं ये, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मतलब कि आपका जो पहला मुंशी प्रेमचंद का लिया गया है उसमें से ही ये चीज आपके सामने रखी गई है। तो इसमें मुंशी प्रेमचंद ने अपनी जो भावनाएं प्रकट किया हुआ है तो उसके बारे में ही बात किया गया और इसका आपको इस तरीके से आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखना होगा। ऐसे ही एक पार्ट दे देगा आपको उस पूरे चैप्टर से और उसका आपको क्या करना होगा, संदर्भ सहित व्याख्या लिखना हो। जैसे कि आपके सामने ये पेज दिख रहा है, ये जो है एक गद्यांश दिख रहा है, अब इसका आपको क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, इसका संदर्भ, संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि जो ये पाठ है सबसे पहले क्या होता है कि ये कौन से पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत आपको लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक का नाम क्या है, कर्मभूमि। हमारी पाठ्यपुस्तक कर्मभूमि उपन्यास से लिया गया है। ये जो चीज है ये कर्मभूमि उपन्यास से लिया गया है और इसके लेखक जो है वो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद है। ओके, तो ये हो गया आपका प्रस्तुत गद्यांश, मतलब ये आपका संदर्भ हो गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें आपका प्रसंग, क्या प्रसंग, प्रसंग में आपको क्या करना, मतलब इसमें कह क्या रहा है उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से समझाना है। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्त, बेसिकली इसमें पिता के बहस के बाद अमर उन्हीं उत्तेजनापूर्ण विचारों में डूबा हुआ बैठा है कि नैना आ जाती है तो उससे अपनी मनोस्थिति छुपाता हुआ सुखदा के बारे में पूछता है और कहता है, मतलब क्या कह रहा है उसके बारे में बताया हुआ है, क्या कह रहा है कि तो आज उधर से भी शस्त्र प्रहार होगा, यानी कि कह रहा है तो आज सुखदा की तरफ से भी शस्त्र प्रहार होंगे, यानी कि वो भी कुछ बोलेगी। आज दादा ने तो मुझसे साफ साफ कह ही दिया है कि अगर मेरे साथ काम करने में तुम्हारी आत्मा का हनन होता है तो तुम अपने रास्ते क्या कर लो, अलग कर लो, अपना राह निकालो, मतलब कि अगर तुम मेरे साथ काम नहीं कर सकते तो जाओ अपना राह निकालो, तो मैं अपने रास्ते अलग कर लूं और मुझे भी ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ क्या होगा करना चाहिए, मतलब कि अब मुझे भी कुछ लग रहा है कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना चाहिए, रोज रोज ये फटकार असहनीय होती जा रही है। अगर मैं कोई बुराई करूं तो मुझे कोई 10 जूते मारे तो भी मैं कुछ नहीं करूंगा, जो यहां पर कह रहा है ना, तो मैं कोई बुराई करूं तो कोई मुझे 10 जूते भी जमा दे तो चू नहीं करूंगा, मतलब कि अगर मैं कुछ गलती करता हूं तो कोई मुझे मारे डांटे समझ में आता है, लेकिन अधर्म के रास्ते पर मुझसे नहीं चला जाएगा कि कुछ गलत किया जाए। तो इस तरीके से ये आपकी व्याख्या है। अब इसमें कुछ चीजें देखो, सबसे पहले आपने संदर्भ लिख दिया, प्रसंग लिख दिया, अब इसकी आपको व्याख्या जो लिखना था वो हमने बता दिया कि कैसे कैसे, मतलब आप व्याख्या में इसको थोड़ा सा मतलब इसमें अपना मॉडिफाई करके कि हाँ इसमें कह क्या रहा है उसको थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख सकते हैं इस चीज को। एंड इसके बाद आपको लिखना होता है कि इसमें आपका जो है विशेष क्या है। तो इसमें विशेष सबसे पहला है कि अमर जो है वो स्वाभिमानी और आदर्शवादी युवक है, वो अपने स्वाभिमान से डगमगाता नहीं है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे मारो ठीक है, लेकिन अगर मैंने गलत नहीं किया है तो मैं नहीं सहूंगा। और दूसरी है कि वह किसी भी परिस्थिति में अधर्म का साथ नहीं देना चाहता। ये 2 विशेष चीजें इसमें देखने को हमें मिलती है। तो ये था आपका जो है क्वेश्चन। अब आप आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपका तीसरा, मानस का हंस उपन्यास तुलसीदास के जीवन वृत्त को आलोकित करता है। तो मानस का जो हंस है वो किस तरीके से तुलसीदास जी के जीवन को दिखाता है उसके बारे में आपको बात करना है। तो आप अगर देखोगे ना मानस का हंस के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये उपन्यास का जो प्रमुख उद्देश्य है वो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन को जो है जीवन चरित्र जो उनका है उसको प्रोत्साहित करना, यानी कि उसी को प्रेजेंट करना है। तुलसीदास की रचनाओं के आधार पर लेखक के मन में उनके व्यक्तित्व का जो बिंब बना है उसे चित्रित करने के उद्देश्य से ही उस उपन्यास की रचना हुई है कि तुलसीदास कितने महान थे और उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी हुई है उसके बारे में बताने के लिए इसको रखा गया है। तो इसमें ऐसे चित्र प्रस्तुत किया गया है जिससे विवाद के लिए कम से कम गुंजाइश हो, यानी कि विवाद ना देखने को मिले। जैसे कि तुलसी के संघर्षमय जीवन के बारे में बताया गया है कि तुलसी का जीवन कैसे संघर्षमय रहा था। तो इस पर विचार करते हुए लिखा गया है कि मानस का जो हंस है इस उपन्यास में लेखक ने तुलसी का जो जीवन संघर्ष है उसको प्रस्तुत किया है। तुलसी की जो विनय पत्रिका है, कवितावली है, हनुमान वाहक है, दोहावली है, गीतावली है, इन आदि कृत्यों से स्पष्ट होता है कि तुलसी को एक अत्यंत संघर्षमय जीवन जीना पड़ा है। अमृतलाल नागर के अनुसार तुलसी के
अंतर संघर्ष से परिचय के बाद ही मानसकार की जो मनोछवि है उसका दर्शन किया जा सकता है। इसलिए प्रस्तुत रचनाकार द्वारा मानसकार के जीवन संघर्ष का चित्रण प्रस्तुत करने का उद्देश्य अपने सामने रखा और उपन्यास के आरंभ में वो कहता है कि इस उपन्यास को जो ये लिखा जा रहा है, इसके लिखने से पहले मैंने कवितावली विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा है। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतर संघर्ष में ऐसे अनमोल क्षण सजोए हुए हैं कि उसके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयकर लगता है। रामचरितमानस की जो पृष्ठभूमि है उसमें मानसकर की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका जो है उसके तुलसी से ही सहायता मिलती है। कवितावली और हनुमान वाहक में कहीं कहीं तुलसी के जीवन की झांकी मिलती है और मैंने गोसाई तुलसीदास जी से संबंधित अनगणित जो है किदंबियों में से लेकर के उन्हीं को एक उपन्यास के रूप में रख दिया है। तो इस प्रकार जो प्रस्तुत उपन्यास है उसकी रचना एक उद्देश्य जो प्रमुख उद्देश्य था वो गोस्वामी तुलसीदास जी के संघर्षमय जीवन को चरित्र करके पाठकों तक पहुंचाना था, जो कि प्रमाणिक हो, रोचक हो और प्रेरक हो, जिससे कि लोग और भी उससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, जिसके प्रकाश में रामचरित मानस की संवेदना को और अधिक गहराइयों से लोग पकड़ सकें। तो यह उद्देश्य था और इससे तुलसी के संघर्षमय जीवन दिखता है। तुलसी के लोक धर्म का स्वरूप भी हमें मिलता है, यानी कि उस उपन्यास में तुलसी के जीवन गाथा प्रस्तुत करने का एक उद्देश्य यह था कि तुलसी के लोक धर्म का स्वरूप पाठकों के सामने रखा जा सके कि तुलसीदास जो थे वो कितने लोक धर्म थे, यानी लोगों के प्रति समर्पित थे और लोगों को कुछ बेहतर देना चाहते थे जिससे कि लोग, समाज, हमारा देश आगे बढ़ सके। ओके, तुलसी स्वयं रत्नावली से कहते हैं कि लोक धर्म बड़ा ही कठिन होता है देवी, व्यर्थ निंदा से बचने के लिए राम जी को जगदम्बा का त्याग करना पड़ा था। अंतर मन में रत्नावली को साथ रखने की इच्छा रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास पद की मर्यादा द्वारा लोक के चरित्र को उठाने की भावना में रत्नावली मर्यादा और लोक के चरित्र को उठाने की भावना में रत्नावली का उन्होंने परित्याग, अपनी बेबी जो रत्नावली थी उनकी पत्नी, उसका परित्याग करते हुए उन्होंने राम का उदाहरण दिया कि राम को भी अपनी पत्नी सीता का त्याग करना पड़ा था लोक धर्म को निभाने के लिए। तुलसी अगर समाज सेवा के रूप में देखा जाए, तुलसी का जो मानस का उपन्यास है उसमें तुलसी का जीवन वृत्त है उसमें समाज सेवा के रूप में बात किया गया है कि वाराणसी की राम ललाओं के आयोजन रामचरितमानस के आधार पर तुलसी ने प्रारंभ किया हुआ है। तुलसी द्वारा काशी के विभिन्न कोणों में स्थापित हनुमान मंदिर और उनसे संबंध अखाड़ों की आज भी विद्यमानता हमें देखने को मिलती है। तमाम सारे भक्त आकर के वहां पर अपना जो है आहुति देते हैं, मतलब अपनी जो श्रद्धा है उसको व्यक्त करते हैं। जो अपनी रचनाओं में तुलसी कर्म और पुरुषार्थ का जो संदेश देते हैं उसके आधार पर जो अनुमान पर्याप्त है वो यह है कि सामाजिक संगठन, समाज सेवा और सामाजिक एकता भी की भावना उनमें देखने को मिलती है। रामलीलाओं, हनुमान मंदिरों, अखाड़ों, इन सभी का आयोजन उन्होंने किया हुआ जिससे समाज एक साथ रह सके, एक साथ जुड़ सके। तो ये सारी चीजें हमें दिखाती है कि जो ये मानस का हंस लिखा गया उपन्यास ये तुलसीदास के जीवन वृत्त को दिखाता है, क्योंकि इसमें तुलसीदास जी के जीवन का संघर्ष चित्रण भी दिखाता है, लोक धर्म भी दिखाता है, तुलसी का समाज सेवा भाव भी दिखाता है। तो इस तरीके से यह चीज प्रमाणित होती है। इसके बाद बात करें अगला जो दूसरा संदर्भ से व्याख्या लिखने के लिए हमने जो चुना हुआ है वो आपका जो है तुलसी से ही संबंधित है। एंडिशिया आपके सामने रहा, ये कह रहा है मैं महात्मा कबीर को जी को उच्चतम आत्माओं में से मानता हूं, उन्होंने दूसरों की बुराइयों की तीव्र आलोचना करके अपने को सवारा है, परंतु मैं अपनी और समाज की खरी आलोचना करके दोनों को एक निष्ठा से बांधकर उठना चाहता हूं। टूटी झोपड़ियों के बीच में अकेले महल की कोई शोभा नहीं होती है, वह अपनी सारी भव्यता और कलात्मकता में क्रूर और गवार लगता है। किसी भी सच्चे संतों की बातों को हमें औसतन स्तर पर ला करके नहीं सोचना चाहिए। यानी कि इसमें कहना क्या चाह रहा है और ये इसका भी क्या करना है, आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। तो सबसे पहले इसका आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है दोस्त। तो संदर्भ में आप क्या लिखोगे, संदर्भ में इसका संदर्भ में आपको क्या करना है, कहां से लिया गया है और किसने रचना किया है वही लिखना होता है। तो यह प्रस्तुत जो गद्यखंड है ये हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री अमृतलाल नागर जी के द्वारा जो लिखा गया है और यह कहां से लिया गया है, मानस के हंस से लिया गया है। यह मानस के हंस नामक उपन्यास से लिया गया है और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस उपन्यास को लिखा हुआ है। तो यह आपका संदर्भ हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है क्या, प्रसंग। सॉरी, इसमें लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रसंग, आपको लिखना है। प्रसंग मतलब क्या होता है, निचोड़, यानी कि इस पूरे मामले में क्या कहना चाहता है। तो प्रसंग में इस अवतरण में तुलसीदास ने कबीर के विचारों पर अपने मत व्यक्त किए हैं। कैलाश मेघा भगत की आलोचना करते हैं। इस पर तुलसीदास कहते हैं कि आलोच्य व्यक्ति की सामर्थ्य ना देख करके उसकी भावना देखनी चाहिए। और इसका अगर हम व्याख्या करें तो तुलसीदास कहते हैं कि मैं कबीरदास, इसकी अगर व्याख्या करें एक लाइन की, तो तुलसीदास कहते हैं कि मैं कबीरदास को पूर्व के संतों में उच्च मानता हूं, जिन्होंने दूसरों की अर्थात समाज में व्याप्त बुराइयों की
तीव्र तीखी आलोचना करके अपने को ऊंचाई पर स्थापित किया है, लेकिन मैं अपनी स्वयं की और समाज की सही आलोचना करके दोनों को एक निष्ठा से बांध करके उत्थान करना चाहता हूं। लेकिन इन्होंने कहा कि कबीर ने बहुत अच्छी बात किया है, बहुत उन्होंने समाज के बारे में आलोचनात्मक कहा हुआ है और अपने आप को समाज से ऊपर उठा लिया है, लेकिन मैं जो कर रहा हूं ना या मैं जो काम करूंगा उसमें क्या करूंगा कि मैं खुद और समाज दोनों की निष्ठा को ऊपर उठाऊंगा। जैसे टूटी फूटी झोपड़ियों के बीच में महल की शोभा नहीं होती कि सारी तरफ टूटे फूटे झोपड़ियां और बीच में एक बड़ा महल बन गया है, तो उनकी कलात्मकता और भव्यता उसको चिढ़ाने सी लगती है। ठीक उसी प्रकार तमाम पतित और भ्रष्ट लोगों के बीच एक व्यक्ति जो है वो आत्मोत्थान की ऊंचाई पर स्थित हो जाए अच्छा नहीं लगता है, उनकी सफलता सार्थक नहीं होती है प्रतीत होती है, उनकी दृष्टि में संतों को तथा उनकी बातों को औसत अथवा सामान्य स्तर से ऊंचे उठ करके विचार करना चाहिए और विचार के बाद उनके विषय में धारणा बनानी चाहिए और उनको समाज के लोगों तक पहुंचना चाहिए और समाज के सभी लोग उस पर कुछ ना कुछ अपना योगदान दे सकें, समाज के कुछ ना कुछ सभी लोग उसमें अपना हिस्सा दे सकें, ये होना चाहिए। तो ये कबीर का जो है तुलसीदास जी का मानना था। अब इसमें अगर हम विशेष ढूंढे कि विशेष क्या है इसमें, तो को ये सारी चीजें लिखना होगा, आपको संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग लिखना होगा, उसके बाद व्याख्या जो हमने बताया हुआ है ये लिखना होगा, यानी कि इसका थोड़ा सा बढ़ा करके, उसके बाद आपको विशेष लिखना होगा कि इस अवतरण में तुलसीदास ने कैलाश को समझाने का प्रयास किया हुआ है, और दूसरा है कि इस अवतरण में संतों पर आक्षेप करने से पूर्व संत की विचारधारा को जान लेने और सामान्य स्तर से ऊपर उठ करके विचार करने पर बल दिया है। ओके, अब इसके बाद बात करें जो अगला क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है आपका कि पूस की रात कहानी का कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा करना है कि पूस के रात जो कहानी है, ये कहानी जो है वो क्या है, उसका समीक्षा करना है आपको कि कहानी ये कैसी है और क्या है। तो देखो पूस की जो रात कहानी है ये भी किसके द्वारा लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया है। ये पूस की रात जो कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूस की रात को 1934 में इन्होंने लिखा हुआ है और इस कहानी में यथार्थ के धरातल पर किसान के जीवन का मार्मिक चित्रण किया हुआ है कि किस तरीके से एक किसान अपनी जो है पूस की रात में भी अपने खेतों की रखवाली करता है और जब जो कैटल आते हैं चरवाहे आते हैं, मतलब जो फसलों को नुकसान करके चले जाते हैं पशु आते हैं, उसके बारे में अपनी जो यथार्थता है उसमें दिखाया गया है। और इस कहानी से माध्यम से रचनाकार ने समाज में व्याप्त विसंगतियों को सामने लाने का प्रयास किया है और इस कहानी का पात्र जो हल्कू है वो रात दिन अपने खेतों में जो है हाड़ तोड़ मेहनत करता है, इस परिश्रम के बदले उसे अपमान गरीबी अभाव से भरा एक जीवन प्राप्त होता है, उसके परिश्रम करने पर लाभ साहूकारों को मिलता है, परिस्थितियों की विसंगतियां उसकी नियत बन गई हैं और इस परिस्थितियों से वो टूट गया है। और इस कहानी में कथ्य और शिल्प की दृष्टि से बहुत सारी विशेषताएं हैं। अगर हम कथानक की दृष्टि से देखें कि इसमें कथानक क्या है, जैसे कि एक चीज हम देखते हैं ना, कर्मभूमि को हमने देखा, कथानक देखा, पात्र के चरित्र चित्रण देखा, कथोपथन या संवाद की दृष्टि से देखा, देश काल और वातावरण देखा, भाषा शैली देखा, उद्देश्य की दृष्टि से देखा और शीर्षक की दृष्टि से देखें, उसके बाद उपसंहार किया। तो इतनी सारी चीजें आप जब भी कहानी के बारे में समीक्षा कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, पहली कथानक की दृष्टि से। तो पूस की रात के बारे में बात करें तो ये कथानक की दृष्टि से क्या है कि पूस की काली अंधेरी रात है, हाड़कंपा कर देने वाली ठंडी है, इस भीषण सर्दी की रात में किसान हल्कू खेत में रखवाली करने के लिए अपने खेत में पड़ा हुआ है, उसके पास तन को ओढ़ने के लिए ना तो पर्याप्त वस्त्र है ना ओढ़ने के लिए रजाई है, उसकी स्त्री मुन्नी पेट काट काट करके कंबल लेने के लिए 3 रुपए जमा किए हैं किंतु उसे भी जो है सहना ले गया, उसका जो बाकी था मानव से अधिक प्रेम उसके कुत्ते जो है जबरे से मिलती थी, वह उसको अपना हमदर्द समझकर उसे गले से लगा करके सो जाता किंतु उसका वफादार साथी खेत की रक्षा के लिए जागता रहता, जब वह उठता तो आम के बगीचे में जाकर के आग तपने लगता और वहीं सो जाता, खेत जो है नीलगाय चर ले जाती है और कुत्ते से चेतावनी पाकर के भी उस भीषण सर्द में खेत की रक्षा का साहस नहीं जुटा पाता है और जो है जिससे क्या होता है खेती समाप्त हो जाती है और उसका श्रम व्यर्थ हो जाता है, फिर भी उसे प्रत्यक्ष जो है संतोष है किंतु उस संतोष के पीछे उसके हृदय में जो अव्यक्त कराह और अचोट है वह पाठक में छिपा हुआ है। यानी कि ये पूरी कहानी जो है यह है कि मतलब जो हल्कू नाम का किसान है वो क्या करता है, खेत में जाकर के अपने खेतों की रखवाली करता है और एक दिन क्या हुआ कि बहुत ज्यादा उसको ठंड
लग रही थी, तो वो पास के बगीचे में चला जाता है और वहां पर जो है पत्तों को जला करके सेक रहा होता है, जिससे कि आग मिलती है और आग से उसको गर्मी मिलता है। तो पत्तों को जला करके वो सेक रहा होता है और उसी टाइम पीरियड पर नीलगाय आपने सुना होगा ना, उसका पूरा एक झुंड आ जाता है और उसके खेतों में खाने लगता है। तो कुत्ता जो रहता है वो भोंक भोंक करके आवाज करके अपने मालिक को बुलाना चाहता है कि आओ और नीलगाय खेत खा रहे हैं, हटाओ। लेकिन इतना ज्यादा ठंड होता है कि वो ठंड से बचने के लिए वहीं पर बैठा रहता है और नहीं जाता है और नीलगाय पूरा खेत उसका खराब करके चले जाते हैं। तो उसके बाद भी उसके जीवन में जो संतोष की भावना है उसके बारे में बताया गया है इसमें। अगर पात्र और चैत्र चित्रण की दृष्टि से देखा जाए तो पूस की जो रात है उस कहानी के वस्तुतः दो ही पात्र हैं, हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी। तीसरा पात्र जो है वो सहना वर्ग के विशेष प्रतिनिधि के रूप में आता है। मुन्नी का चरित्र जो हल्कू के चरित्र का ही पूरक है। इन दोनों के मध्य में कहानीकार ने किसान के जीवन की झलकती व्यापकता के साथ जो व्यवस्था देखने को मिलती है वो दिखाया हुआ है। झबरा यद्यपि कुत्ता है, फिर भी कहानीकार ने मानवीय संवेदनाओं से युक्त दिखा करके उसको भी एक महत्वपूर्ण पात्र बना दिया है। अगर संवाद की दृष्टि से देखा जाए तो पूस की रात में वार्तालाप चुस्त, संक्षिप्त, सरल और जो है सरस और आकर्षण है। इसके संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति को भी स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए हल्कू उदास होकर के बोलता है, तो मैं क्या गोली खाऊं? मुन्नी ने तड़प करके कहा, गोली क्यों देगा, गाली क्यों देगा? अच्छा, मतलब हल्कू उदास होकर के बोलता है कि क्या गाली खाऊं, जब मैंने उधार लिया हुआ पैसा नहीं देंगे तो क्या मैं गाली खाऊं? तो मुन्नी ने कहा, गाली क्यों खाएंगे, क्या उसका राज है? इसी पर कुछ वार्तालाप और भी चीजें हैं, जैसे कि दोनों खेत की दशा देख रहे हैं। मुन्नी के मन पर उदासी छाई हुई है, हल्को प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर के कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी, क्योंकि खेती तो रहा ही नहीं। हल्को ने प्रसन्नता से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा, खेत नहीं है, चलो ठीक है, कम से कम सोना तो नहीं पड़ेगा, मैं कहीं काम कर लूंगा। तो इस पर इस कहानी के संवाद जो है वो पत्रानुकूलित, प्रभायुक्त, रोचक, व्यवहारिक और स्पष्ट है। छोटा सी कहानी है लेकिन इसमें बहुत कुछ सिखाता है। देश काल और वातावरण के बारे में बात किया जाए इस कहानी के माध्यम से, पूस की रात से देश काल और वातावरण के बारे में बात किया जाए तो इसमें कहानीकार ने युग की विसंगति को स्पष्ट किया हुआ है, जिसके कारण काम करने वाले अन्न और वस्त्र से पीड़ित रहता है और दूसरी ओर पूंजीपति आराम से सब कुछ पाता है। इस कहानी में हल्कू किसान ठंडी रात में खेतों में ठुठुरता है और सहना थोड़ी सी पूंजी लगा करके आराम से सोता रहता है और गरीबों को चूसता है। वातावरण की कसमकता में भयंकर कहानी के बारे में बताया गया है। पूस की रात की ठंड को दिखाया गया है, तीखी चलती हुई पछुआ हवाओं के बारे में बताया गया है और इस पर हल्कू कहता है कि यह राढ़ पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। तो इस तरीके से है। भाषा शैली के बारे में बात किया जाए तो भाषा शैली काफी सरल है, सहज है, सजीव है और भावपूर्ण है। शैली की भी स्पष्ट और सरल है। वर्णनात्मक, चित्रात्मक जो है बिंबात्मक के गूढ़ अधिक देखने को मिलते हैं। सजीव चित्र इसका बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें आपको जमींदारी प्रथा से होने वाले अत्याचारों के बारे में, पूंजीवादियों का जो किसानों पर अत्याचार है उसके बारे में दिखाने के बारे में बात किया गया है। जैसे कि अगर हल्कू के शब्दों में बात किया जाए तो मजदूरी हम करें और मजा दूसरे लूटें। इस प्रकार कहानी अपने विचार द्वारा जो उस समय का भारतीय किसान का शोषण किया जा रहा था उसके बारे में व्यक्त करता है। शीर्षक जैसे पूस की रात है तो पूस की मास में एक रात विशेष वही है जिसमें हल्कू के साथ यह हुआ और उसका खेत खराब हुआ, उस रात के बारे में बात किया जा रहा है। उपसंहार में अगर हम बात करें तो उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि कहानी कला की दृष्टि से यह कहानी सफल है। इसमें प्रेमचंद्र ने यथार्थ का सहारा लिया हुआ है, किसी आदर्श का ढोंग नहीं रचाया हुआ है कि आदर्श होना चाहिए, जो रियल था, रियलिस्टिक चीजें हैं उसके बारे में बात किया हुआ है और किस जो है मानवीय और सामाजिक संवेदनाओं को भी स्पष्ट किया हुआ है। ओके, इसके बाद एक संघर्ष जो है संदर्भ से व्याख्या देख लेते हैं। इसके बारे में हमने व्याख्या किया, इसके बारे में व्याख्या किया, अब अगला देख लेते हैं। अगला व्याख्या आपका, चार दिन तक पलक नहीं झपकी फिर भी मेरा घोड़ा जो है बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही क्या कर रहा है, बिना लड़े सिपाही मुझे भी संगीन चढ़ा करके मार्च का हुक्म दिया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर बातें किया गया है, कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो इसके बारे में हम देखते हैं और इसका भी आपको क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो ये जो कहानी या जो ये आपके सामने संदर्भ दिख रहा है, इसका सबसे पहले आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है, मतलब इस जो पद्य है इसका आपको संदर्भ लिखना है। अब संदर्भ में क्या है, आपको पता होना चाहिए कहानी कौन से पाठ से लिया गया है और कौन इसके राइटर हैं। तो देखो, प्रस्तुत जो ये गद्यांश है, ये पाठ्यपुस्तक जो है कथास्वर से संग्रहित है और इसको लिखने वाले कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा ये लिखा गया है। ओके, और ये इसका कहानी का जो शीर्षक है, ये कहानी का शीर्षक है उसने कहा था। कहानी का शीर्षक क्या है, उसने कहा था, ये कहानी का नाम है, कहानी का शीर्षक है। ओके, प्रसंग के बारे में बात किया जाए कि इसमें प्रसंग क्या है,
तो बेसिकली अगर हम प्रसंग के बारे में बात करें तो मतलब प्रसंग क्या होता है, इसका निचोड़ हमने पहले ही बात किया हुआ है। तो इसमें आपसे लहना सिंह और हजारी सिंह के बीच बातें जो हो रही है, लहना सिंह हजारी सिंह से जो कहता है उसी के बारे में बात किया हुआ है। तो अब व्याख्या में आपको लिखना है कि लहना सिंह क्या कहता है। तो लहना सिंह कहता है कि 4 दिन हो गए हैं पलक नहीं झपके हैं, बिना फेरे ही घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ जाता है। मुझे अगर संगीन जो है रख करके चक करके गश्त का आदेश मिल जाए तो फिर देखना 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटू तो मुझे दरबार जो है दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। मतलब यहां पर ईश्वर के बारे में बात किया गया, उन जिस ईश्वर से वो मानते, वो कहते हैं मुझे अगर मार्च का हुक्म मिल जाए तो मैं जाकर के कम से कम जो है 7 जर्मनों को मार के ना लौटूं तो मैं भगवान के सामने सर ना झुकाऊं। पाजी काही के जो है कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। तो इसके बारे में बात किया गया है, उसने कहा कि घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, जिससे ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब इसमें अगर हम विशेष ढूंढे कि विशेष क्या है, तो इसमें लहना सिंह के शौर्य और साहस के बारे में बात किया गया। अगर मुझे दिया जाए पावर तो मैं 7 जर्मनों को ऐसे ही फाड़ दूंगा। दूसरा, युद्ध के दौरान सिपाहियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति का इसमें वर्णन देखने को मिलता है कि जब युद्ध हो रहा होता है, किसी को मौका नहीं मिल रहा होता, उस समय सिपाही के मन में क्या चीजें आ रही होती हैं उसके बारे में बात किया गया है। ओके, अब बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह है रोज कहानी। रोज का नाम की एक कहानी है, उस कहानी के तत्वों पर आधार समीक्षा करनी है कि रोज जो कहानी है वो कैसी कहानी है और वो कहानी किस चीज को जो है बयां कर रही है, किस चीज के बारे में बता रही है। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें रोज कहानी की, तो ये रोज जो है ये पारिवारिक कहानी है और ये कहानी लिखने वाले हैं, इस रोज कहानी के राइटर हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो मध्य वर्ग के परिवार की एक नारी की कहानी का चित्रित करते हैं। और अज्ञेय को व्यक्ति मन का चितेरा भी कहा जाता है। उनकी जो है कहानियों में व्यक्ति के अंतर्गत की सच्चाइयों का निर्माण देखने को मिलता है और रोज कहानी भी अज्ञेय की एक असाधारण कहानी है। तो सबसे पहले जब भी कहानी के बारे में हम तत्वों के बारे में बात करते हैं तो कथानक के बारे में बात करते हैं, पात्र चरित्रता के बारे में बात करते हैं, कथोपतन यानी कि संवाद के बारे में बात करते हैं, देश काल का वातावरण के बारे में बात करते हैं, शीर्षक भाषा शैली उद्देश्य और निष्कर्ष, इन टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कथानक के बारे में। तो डॉक्टर महेश्वर और उनकी पत्नी ने से रोज कहानी की शुरुआत होती है। महेश्वर किसी पहाड़ी कस्बे में एक जो है सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है और मालती उनकी पत्नी है, उसके एक छोटा सा बच्चा है। मालती का बाल सखा उससे मिलने आता है, मालती उसके स्वागत में रुचि नहीं लेती है। उसका बधा जीवन जो है यंत्रवत गतिशील है, यह देख करके उसका जो बाल सखा है वो क्षुब्ध हो जाता है, दुखी हो जाता है। बर्तन मांजना, रोते हुए बच्चे को संभालना, पानी के लिए इंतजार करना, घंटे की आवाज गिनना, बस यही उसकी रोज की दिनचर्या है। उधर महेश्वर का जीवन भी इसी प्रकार जो है एक रास्ता में ग्रस्त था। और इस पूरी कहानी से निरस्ता की जो लंबी यात्रा सी लगती है। कहानीकार भारतीय कुटुंब प्रथा की एक विशेष त्रुटि का कथानक विश्लेषण करना चाहता है। विषय वस्तु में कोई रोचकता नहीं है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मस्तिष्क के ऊपर भारत बनकर के छा जाता है और उसकी सहजता जो सांतिक जो है सांकेतिकता जो संश्लिष्टता उसके अपूर्व एक कहानी है, जो कि एक मध्यवर्गीय स्त्री के जीवन को उबाऊ एक रास्ता में संपूर्णता को अभिव्यक्त किया गया है। यानी कि कहने का अर्थ है जो कथानक है इसमें एक महिला है और एक पुरुष है जिनके रोजमर्रा के जीवन के बारे में बात किया गया है कि एक मध्यवर्गीय जीवन है, एक मिडाइकर लाइफ है, वो लाइफ होती क्या है, जिन सुबह उठना, खाना बनाना, दिन भर अपने बच्चों का देखभाल करना, शाम को फिर से खाना बनाना, खाना पीना, सो जाना, मतलब अपना काम करना, सो जाना, और इससे बाहर कोई जिंदगी है ही नहीं। इससे बाहर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए पैसे चाहिए जो कि होते नहीं मध्यवर्गीय लोगों के पास। तो उसका एक रोज का एक डेली रूटीन का ही ये पूरा पाठ लिखा गया है कि डेली रूटीन किस तरीके से जाता है। उसका दोस्त आता है जो कि कुछ कर रहा होगा, हो सकता है बेहतर या वो उच्च वर्ग में होगा, तो उसको थोड़ा सा लगा कि यार ये तो इनकी लाइफ कैसी है। तो इस कहानी के बारे में ये चीज है। पात्र और चरित्र के बारे में बात करें तो रोज कहानी में कुल 3 चरित्र हैं, जिसमें 2 पुरुष है, एक नारी है, एक पुरुष उसका पति है और दूसरा पुरुष उसका जो सखा आता है वो है, और नारी तो महिला है। ओके, इसमें भारतीय नारी के परिवार की जो नारी है उसके अकेलापन, एक रास्ता और उसके टूटने के दर्द को उद्भवित करके दिखाया गया है कि किस तरीके से एक स्त्री है जिसका पति काम करने चला जाता है, वो दिन भर क्या करती है, घर में बैठी रहती है या फिर कोई काम करेगी, अकेलीपन में, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर व्यक्त किया गया है। अगर इसके संवाद के बारे में बात किया जाए तो रोज कहानी में संवाद जो है वो भावों को प्रकट करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। पात्रों के कथोपथन से हमें आभास होता है कि मानो उनके सिर पर बहुत बड़ा बोझ लदा हो जिससे दबे जा रहे हों। जैसे एक उदाहरण में मालती ने पूछा,
आए कैसे हो लारी में? तो इसने कहा पैदल। इतनी दूर दूर बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमने तुमसे मिलने आया हूँ, ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा था सामान लेकर के। मतलब एक भावना देखने को मिलती है इसमें। देश काल और वातावरण के बारे में बात किया जाए तो रोज कहानी जो है वो मालती और माहेश्वर के जीवन की एक रस्ता और निरस्ता के वातावरण को प्रकट करने में पूर्ण रूपेण से सक्षम है। कहानी का आरंभिक वाक्य ही घर से व्याप्त जड़ता और निरस्ता को दिखाता है, जिसमें जीवन का एक चित्र देखने को मिलता है कि वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार से भी उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कांप रही है। 4 बज गए हैं तो ये काम करना है, 5 बज गए हैं तो ये काम करना है, 3 बज गए हैं तो बच्चे को लेने जाना है। मतलब एक रूटीन लाइफ चल रही होगी। शीर्षक जो है कहानी का, जो शीर्षक है बड़ा ही सार्थक है, रोज। इससे हमें समझ में आता है कि इसमें डेली रूटीन के बारे में बात किया गया है, कुछ ऐसी जो है जो कि रोज रोज काम हो रहा है उसके बारे में बात किया गया है। भाषा शैली के बारे में बात किया जाए तो कहानी की भाषा शैली सरल और प्रभावपूर्ण वातावरण के सूक्ष्म और अव्यक्त प्रभाव को जीवंत करने में का बात करती है। इस कहानी में वो सभी विश्लेषण देख का प्रयोग है, वे सभी में कुछ ऐसा आकत्य आस्पर्श किंतु फिर भी बोझिल और प्रकम्प और घना सा फैला देते हैं, ऐसी भाषा का यूज किया गया है। उद्देश्य ये कहानी का है कि इस कहानी से मध्यवर्गीय जीवन की जो घर गृहस्थी है में लीन एक नारी के जीवन के बारे में, उस नारी के जीवन को प्रकट करना और समाज में उसको बताने के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि रोज कहानी जो है ये एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है, जिसके लाइफ क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है। अगर हम कुछ एक्सप्लोरिंग नहीं कर रहे हैं तो जिंदगी रोज रोज सी कटने वाली सी बन जाती है। अगला जो हम देखते हैं कहानी वो है आपका दिल्ली में एक मौत। ये भी कहानी और इसके भी आपको समीक्षा करनी है। तो कहानी में हमने बताया ये आपको कथानक, पात्र, संवाद, वातावरण और भाषा शैली, इनके बारे में बात करना होता है। तो अगर दिल्ली में एक मौत की कथानक के बारे में बात किया जाए तो ये कहानी लिखा गया है दोस्त कमलेश्वर महाराज जी के द्वारा, कि कमलेश्वर जो एक प्रसिद्ध कहानीकार है और उनकी एक प्रसिद्ध कहानी थी ये। तो कथानक में का प्रारंभ होता है धुंध में लिपटी हुई एक महानगरी जिसको कहते हैं दिल्ली। अब पता ही होगा आपको दिल्ली के बारे में, सभी अपने कार्य में व्यस्त हैं, भयंकर सर्दी है। इसी बीच सेठ जो है दीवान चंद्र की आरती सड़क पर निकल रही है, लेकिन 100 के साथ केवल 7 आदमी हैं। यद्यपि शहर में उनके असंख्य मित्र थे, शुभचिंतक थे, वे शमशान पहुंचे टैक्सियों से, कारों से, स्कूटर से। शमशान घाट पर स्कूटर की भीड़ जमा है। शव यात्रा में शामिल होने वाले उन स्त्री पुरुषों की चमक दमक फैशन, चमचमाते सूट और साड़ियों को देख करके पता ही नहीं चल रहा था कि ये लोग जो है मरने करने वाले में चीज में आए हैं या क्लब में आए हुए हैं भोजन करने के लिए। शमशान से लौटते समय वहां गए लोगों की खिलखिलाहट, उनकी खिलखिलाहटों से पता चलता है कि वहां आए ही क्यों थे। अंत में उनका यह कहना कि अब मौत और का बहाना बना करके आज छुट्टी ही ले लूंगा, इस सारे माहौल पर एक व्यंग की तरह काम कर रहा है। यानी कि मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्यक्ति किसी की मैयत पर भी जा रहा है तब भी आप देखते हैं आज के टाइम पीरियड पर लोग हंसते हुए जाते हैं, गाड़ी से चले गए, गाड़ी से चले आए, फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब कोई मर गया। उनको लगता ही नहीं कि मतलब हमारे साथ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, सिचुएशन हो सकती हैं। तो दिल्ली में एक मौत के मार्मिक चित्रण को इन्होंने व्यक्त किया हुआ है कि एक दिल्ली में अगर एक व्यक्ति की मतलब बड़े शहर में मौत हो जाती है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप गाँव की बात करोगे तो कुछ हद तक लोगों में अभी भी वो चीज भावनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन शहरों में अभी किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बगल वाला भी अगर डेथ हो जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। तो दिल्ली की कहानी का कथानक यह है। पात्र और चरित्रों के बारे में बात किया जाए तो कहानी में कुल 5 छात्र हैं, पात्र हैं। इसके मध्य में जो है कमलेश्वर जी के महानगरियों में रहने वाले लोगों की जीवन वृत्ति को उजागर करके दिखाया हुआ है। मिसेज जो है वासवानी के माध्यम से कहानी में फैशन परस्त नारियों की अमानवीयता को की ओर इंगित किया गया है कि किस तरह से उन्होंने अमानवीयता के बारे में बात किया है। उसमें अतुल भवानी की स्थिति में मातम पुरुषी में सम्मिलित होने वाले स्थिति को घोषित करने के लिए पर्याप्त है। अतुल भवानी फिर मेरे सामने से निकला है, पोर्टफोलियो उसके हाथ में है, पिछले महीने बनवाया सूट उसने पहन रखा और आया हुआ मैयत में। संवाद के बारे में बात किया जाए तो दिल्ली में एक मौत की कहानी का संवाद सरल, प्रभावपूर्ण और स्वाभाविक है। वे यथार्थता का बोध कराती है कि रियल लाइफ में ऐसा ही हो रहा है लोगों के साथ। वो वातावरण को व्यंगित करता है। एक उदाहरण देखिए, जैसे कह रहा है कि आइए सरदार जी, अब देर हो रही है, 10 बज चुका है, 2 मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर के नीचे आते हैं कि वासवानी ऊपर से ही भवानी का सूट देख करके पूछता है, ये सूट किधर सिलवाया? तो वो कहता है उधर खान मार्केट में, बहुत अच्छा सिला है, टेलर का पता भी दे देना। फिर वह अभी मैसेज को पुकारता है, अब आ जाओ डियर, अच्छा मैं नीचे खड़ा हूं, तुम आओ।
कहता हुआ वह भी भवानी को और सरार जी के पास आ जाता है और सूट को हाथ लगाते ही पूछता है, लाइनिंग इंडियन है, इंग्लिश बहुत अच्छा फिटिंग। यानी कि मतलब कि जा रहे हैं मैयत में और किस तरीके से कपड़ों की बात हो रही है कि क्या सूट सिलाया भाई साहब आपने, अपनी क्या सूट से पहन करके जा रहे हैं मैयत में। तो एक तरीके से इस मार्मिकता को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। वातावरण के बारे में बात किया जाए तो इस कहानी का जो वातावरण है वो दिल्ली नगरी जो महानगरी है उसका चित्रण है और उसमें हलचलपूर्ण जो जिंदगी है, लोगों की भाग दौड़ वाली जिंदगी है, उसके बारे में व्यक्त किया गया है। भाषा शैली की बात किया जाए तो इस कहानी की जो भाषा है वो सरल, सुबोध और आकर्षक है। इसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के बोलचाल के शब्दों के बारे में बात किया गया है। इसमें कई सारे शब्द हैं, कहीं कहीं पर भाषा व्यंग्यता भी देखने को मिलती है। विभिन्न भाषा के शब्दों की वानगी आपको देखने को मिलेगी, जैसे अंग्रेजी का फोन, डाउन, हॉर्न, मोटर, बाथरूम, शिफ्ट आदि शब्द मिलेंगे। उर्दू का आपको रूह, सख्त, मुसीबत, यार आदि की भाषा शैली का नमूना मिलेगा। जैसे कि चिता में आग लगा दी गई है, पांच आदमी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं, मेरी तरह भी यूं ही आए हुए हैं, उन्होंने जरूर जो है छुट्टी ले ली होगी, नहीं तो वे भी तैयार होकर के आते। उद्देश्य मतलब क्या है कि दिल्ली में एक मौत की कहानी का उद्देश्य यह है कि आज के सभ्य कहे जाने वाले आधुनिक फैशन परस्त नगरी में फैलती क्रूर अमानवीयता को चित्रित किया गया है। महानगरों में रहने वाले लोग आपस में फैशनग्रस्त मॉडलों के लोगों में आज इतना भी जो है अवकाश नहीं है, फुर्सत नहीं है कि किसी के सुख दुख में शामिल हो सकें। वे क्रूर मानवीयता का पल्लू पकड़ करके मानव को आदिम प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख होते देख रहे हैं। निष्कर्ष के बारे में बात किया जाए तो उपर्युक्त इस विवेचन से निष्कर्ष यह निकल करके आता है कि आलोक की जो कहानी है और कहानी के तत्व जो है वो सब खरे हैं, एकदम सही सही बातें की जा रही है, वो रियलिटी दिखा रहा है। उसके बाद बात करें संदर्भ से व्याख्या का तो दो व्याख्याएं हमने और भी रखी हुई है, जैसे कि दो व्याख्या आपके लिए कौन कौन से हैं, इसके बाद आ जाता है एक व्याख्या इसे एंड एक व्याख्या और इसके बाद भी है। इसको हम देख लेते हैं। ये आप देखो, ये कह रहा है आपसे कि यह 2-3 बजने वाली बात है, मैंने फिर देखी और उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया, तो इसमें क्या कह रहा है उस चीज़ को समझो जरा। कि इसमें कहने का प्रयास किया जा रहा है कि एक टाइम पीरियड के बारे में बात किया गया है और ये कहानी जो ये पूरा आपको गद्यांश दिख रहा है ये कौन से पार्ट से लिया गया है। सबसे पहले जब भी संदर्भ आप लिखोगे तो हमने बताई है ये कहाँ से लिया गया है और कौन इसके रचयिता है, ये आपको लिखना है। तो जैसे कि ये पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, अब इसका संदर्भ आप लिखोगे तो संदर्भ में क्या लिखना पड़ेगा आपको, तो संदर्भ में लिखना पड़ेगा कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये प्रस्तुत जो कथा, ये भी कथा स्वर से लिया गया है और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये चीज़ लिखा हुआ है और मधुआ शीर्षक से लिया गया है, संदर्भ यह हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रसंग लिखना होगा, तो प्रसंग में जो चीज़ इसमें कहा हुआ है इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना ही प्रसंग कहलाता है। तो प्रसंग हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में मालती की जीवन स्थिति का चित्रण किया हुआ है, मालती का बाल सखा मालती के जीवन की एक रास्ता को देख करके क्या कहता है उसके बारे में बताया हुआ है। ये कह रहा है कि यार 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, मतलब 3 बज गया अब ये काम है, और एक बार और से उग्र रूप में हो गया। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिपूर्ण, नीरस। तो इसमें मालती जो है वो बर्तन माज रही होती है। अगर हम इसकी व्याख्या करें तो व्याख्या में लिखेंगे कि मालती जो है वो बर्तन माज रही थी, तभी 4 का घंटा बजना शुरू होता है और घंटे की आवाज पर मालती रुक गई। ठीक यही बात 3 बजे भी हुई थी, इस बार कुछ उग्र रूप में हुआ। मालती का बाल सखा कहता है कि मैंने साफ सुना कि मालती बिल्कुल अनमने और अनेक भाव से किसी मशीन की तरह थके हुए सुर में कह रही है, 4 बज गए। मानो आप समय को मतलब अनिच्छापूर्वक काट रही है, वो समय की प्रत्येक घड़ी को गिनने में ही उसका मशीन जैसा नीरस जिंदगी कट रहा है, जैसे किसी मोटर वाहन का गति सूचक यंत्र किसी को मापता है और मौन भाषा में तय हुई दूरी का संकेत देता है। ठीक यही स्थिति मालती की भी थी। ऐसा था मालती का नीरस और यंत्रत जीवन। मालती का बाल सखा यही सोचते सोचते नींद में क्या होता है, खो जाता है, कि उसको कब नींद आ जाती है उसको पता भी नहीं चलता है। मतलब जिंदगी क्या हो गई है, 3 बजे ये काम करना, 4 बजे ये काम करना, 5 बजे ये काम करना, और रिपीटेड हो रहा है। तो वो कहां से उसमें जो है नीरसता नहीं आएगी तो क्या आएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है। इसके बाद आपको इसकी अगर विशेषता के बारे में बात किया जाए तो इसमें कुछ विशेषताएं, जिससे पहली विशेषता यह है कि मालती के नीरस और यंत्रत्र जीवन की यथार्थ चित्रण किया गया है। दूसरा, स्पीडोमीटर की तुलना सटीक की गई है। और तीसरा, भाषा सरल है। चौथा बात किया जाए तो शैली जो है वो चिंतन और उदास वाली शैली इसमें देखने को मिलती है। अगला हमने एक रखा हुआ है कि जो पहाड़ पार्ट से लिया गया है, निर्मल वर्मा ने इसको लिखा हुआ है। तो सबसे पहले संदर्भ में अगर बात किया जाए तो ये जो प्रस्तुत गद्यांश है ये हमारी पाठ्य पुस्तक कथा स्वर से संग्रहित निर्मल वर्मा द्वारा प्रेरित पहाड़ जो पाठ है उससे अवतरित किया गया है। प्रसंग के बारे में बात किया जाए कि शॉर्ट में ये चीज कहना क्या चाह रहा है, तो इस कहानी में 3 पात्र हैं, माता पिता और उनका बच्चा। नव दंपित विवाह के कुछ दिन बाद पहाड़ पर घूमने जाते हैं और तब से हर साल पहाड़ पर जाने की योजना बनाते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं।
इसी बीच उन्हें एक बच्चा हो जाता है और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है और पहाड़ जाने की बात अब भी सुनता रहता है। तभी से वह जाने की बात करता है। वह अक्टूबर के महीने में पहाड़ पर जाते हैं और सौभाग्यवश उसे वहीं कैमरा मिल जाता है। यानी कि इसमें अगर व्याख्या करें तो लेखक उस पहाड़ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि पहाड़ों के मध्य में नीले आकाश के बीच वृक्षों का झुंड है और उससे दूर बादलों की सुंदर और स्वच्छ रेखाएं हैं। आकाश में धूप भी है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। यह धूप चाकू की तरह तेज धार के समान कड़ी धूप थी। बिल्कुल जो है ऊपर उसके ऊपर खड़े हुए थे और नंगे पहाड़ जो बर्फ से चारों ओर से घिरे हुए थे बिल्कुल चुपचाप थे, अपनी खामोशी से एक तरीके से भयभीत कर रहे थे और उनकी व्यथा को कहने से डरते थे, लेकिन इसलिए वो क्या है, बिल्कुल शांत है। तो इस तरीके से मतलब कि एक कहानी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से पहाड़ पे जाने का उनका सपना था। और एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब वो शादी हुई तब से कह रहे हैं कि जाएंगे हम पहाड़ों पर, जैसे होता है ना हनीमून मनाने जाएंगे पहाड़ों पर जाएंगे, लेकिन एक बच्चा हो जाता है, बच्चा कई साल का हो जाता है, तब जाकर के उनकी लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन आता है और जाते हैं, तो उस टाइम के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें विशेष क्या है, तो विशेष यह है कि इस कहानी की शैली रोचक और आकर्षक है। बच्चे के मन में पहाड़ देखने की उत्कंठा का सजीव चित्र दिया गया है। इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सजीव तरीके से व्यक्त किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं। एंड ये आपके हमने 10 क्वेश्चंस कवर करवाए हैं जिसकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो एक बार विजिट जरूर कीजिए, चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो जिससे कि और भी लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।